अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, उन्वान है नमाज़। आज का हमारा टॉपिक है नमाज़। बच्चों, नमाज़ हमारे दीन का सुतून है। जिस तरह सुतून के बग़ैर कोई इमारत बाकी नहीं रहती, इसी तरह नमाज़ के बग़ैर दीन क़ायम नहीं रहता। क़ुरान पाक में नमाज के मुतालिक जो आयतें आई हैं, इनमें से चंद नकल करते हैं, बाकी आप खुद पढ़िएगा। सूरतुल हज पारा नंबर 18 आयत नंबर 41। वो लोग कि अगर हम उनको मुल्क में हुकूमत दे, खड़ी करें नमाज और दे ज़कात और हुकुम करें भले काम का और मना करें बुरे कामों से, और अल्लाह के अख्तियार में है आखिर हर काम। दूसरी जगह फरमाया है सूरतुल मोमिनून पारा नंबर 18 आयत नंबर 1। अलबत्ता उन मोमिनों ने कामयाबी हासिल कर ली जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी करने वाले हैं। और बच्चों, नमाज ना पढ़ने वालों के लिए कैसी सख्त वईद है। सूरत रूम पारा 21 आयत नंबर 31। और नमाज को क़ायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। और नमाज की तारीफ़ करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत पारा नंबर 21 आयत नंबर 45, तहक़ीक नमाज बुराइयों से रोकने वाली है। इसलिए बच्चों, हमें नमाज का पाबंद रहना चाहिए हमेशा। जज़ाकल्लाह खैर।